हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे इस वीडियो में एस एस का जो ऑफिशियल आंसर की है उसका मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं मैथ्स के क्वेश्चन का डेट आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर का पेपर है सेकंड शिफ्ट का पेपर है ठीक है 6 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट मैथ्स के सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं सॉल्व करूंगा ठीक है तो पूरी वीडियो को अंत तक देखेगा इससे पहले मैंने चार शिफ्ट ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है एस 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 का पाँच अक्टूबर के सारे शिफ्ट मैंने करा रखे हैं और छः अक्टूबर का पहला शिफ्ट और पांच अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का मैंने रीजनिंग का भी सोल्यूशन कराया है आप जाकर देख सकते हैं तो अगर आप एस एस या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो चूंकि एस एस का पेपर भी टी ने कराया था और रेलवे का पेपर भी टी कराने वाला है तो निश्चित रूप से रेलवे ग्रुप डी वाले और आर आर बी एन वाले और जी वाले लोग इसको प्रीफर कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं आपके लिए बिल्कुल ये फायदेमंद साबित होगा और रेलवे में जिस तरह से स्टेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं सांख्यिकी के माध्यम माध्यिका निकालने के लिए आ जाता है या फिर रेंज निकालने के लिए आता है आपका मीन निकालने के लिए आता है ठीक है मीडियन निकालने के लिए आता है माध्यिका जिसको बोलते हैं तो वो सारे क्वेश्चन एस एस में भी आए हुए हैं इसमें भी माध्यिका निकालने के लिए आया है परास निकालने के लिए आया है तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि एस एस का जो ऑफिशियल पेपर है उसका सोलूशन आप लोग जरूर देखिए अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है ये इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है आप इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं एनके मैथ्स अंडर स्कोर नंदूकुमार ठीक है और यूट्यूब पर सेम नाम है आप यूट्यूब पर भी इसे सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो वीडियो को देखने के बाद कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर से करना और अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो आप शेयर भी कर देना वीडियो को ओके चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि अनु ए और बी में से प्रत्येक वस्तु को चार हजार रुपए में बेचती है और इस पूरे लेन देन में उसे कोई भी लाभ या हानि नहीं होता है उसने वस्तु ए को 25 प्रतिशत के लाभ पर बेचा है तो वस्तु बी को कितने प्रतिशत की हानि पर बेची होगी चार हजार रुपए में दो वस्तुएं बेचती है पहली वस्तु भी चार हजार रुपए में और दूसरी वस्तु भी चार हजार रुपए में यानी कि दोनों का एस सेलिंग प्राइस सेम हो गया अब ये कह रहा है कि पहले पे यदि ट्वेंटी फाइव परसेंट का प्रॉफिट हुआ है तो दूसरे पे कितने परसेंट का लॉस हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बने ठीक है तो देखिए इस पर एलिगेशन लगा सकते हैं लेकिन एलिगेशन लगाने के लिए या कोई भी तरीका लगाने के लिए पहले आपको क्रैमूल्य निकालना होगा कि सी कितना था तो मैं एक काम करता हूं यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि देखो ये वस्तु ए हो गया पहली वाली ये वस्तु बी हो गई और इधर मैं सीपी लिख देता हूँ क्रैमूल इधर मैं एस लिख देता हूँ विक्रैमूल्य अब हमें पहली वस्तु का बात पता है कि पहली वस्तु ए जो है इसको 25 परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा है 25 परसेंट का मतलब कितना होता है एक बटा चार यानी कि चार में खरीदा है तो एक ज्यादा में बेचेगा पांच में बेचेगा तो मैं पहली वस्तु के लिए लिख देता हूँ कि पहली वस्तु का यदि सीपी चार था तो बेचा कितने में था पांच में और क्वेश्चन में ये बात लिखा है कि जो दोनों वस्तुएं हैं हर एक वस्तु का एस पी कितना है चार हजार है यानी कि एस पी सेम है दोनों वस्तु को समान कीमत पर बेचा गया है तो मैं ये कह सकता हूँ कि दूसरी वस्तु का एस पी भी कितना होगा पांच ही होगा लेकिन उसका सी पी हमें ज्ञात नहीं है कितना होगा तो सीपी को अभी हम खाली छोड़ देते हैं ठीक है अब देखिए यहां से हम क्या करने वाले हैं यहाँ से आपको यह बोला गया है कि पहली वस्तु का वस्तु चार हजार है और सॉरी विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी चार हजार है तो मैंने ये कहा कि देखो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि पांच का मान कितना दे दिया है चार हजार तो यहाँ से पांच का मान यदि चार हजार है तो आठ सौ से गुना किया ना तो इस चार का मान कितना हो जाएगा ये बत्तीस सौ बनेगा आठ सौ के बत्तीस पांच का मान चार हजार यानी कि आठ पचे चालीस आठ से गुना करके डबल जीरो लगा रहा है तो हम चार को भी आठ से गुना करेंगे और डबल जीरो लगा देंगे तो आठ सौ के बत्तीस सौ यानि पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना बन गया बत्तीस सौ एक बात अब समझना अगर यहाँ पर कोई भी लाभ या कोई भी हानि नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना विक्रय मूल्य बन रहा है जितना टोटल एस पी बन रहा है उतना ही सी पी बनेगा यानी कि कुल विक्रय मूल्य और कुल क्रय मूल्य बराबर होगा तभी ना कोई लाभ होगा और ना हानि होगा तो मैं ये लिख देता हूं कि देखो विक्रय मूल्य तो हमें पता है कि आठ हजार होगा दोनों वस्तुओं को चार चार हजार में बेचा है अब क्रैमूल्य की बात करें तो क्रैमूल्य भी कितना होना चाहिए था टोटल आठ हजार होना चाहिए था तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस बनेगा लेकिन आपको पता है इसमें से पहली वस्तु को खरीदा है में यानी कि सीपी वन जो है पहली वस्तु को बत्तीस में खरीदा है तो जो दूसरी वस्तु का सीपी बनेगा दूसरी वस्तु को कितने में खरीदा होगा तो हम आठ में से बत्तीस को घटा लेते हैं तो ये कितना बनेगा अड़तालीस यानी कि दूसरे वस्तु को वो अड़तालीस में खरीदा होगा और बेचा कितने में है देखो बेचा है दोनों को चार हजार में ही तो दूसरे वस्तु को भी बेचा होगा कितने में बेचा होगा चार हजार में ही अब बताओ अड़तालीस सौ में खरीद के चार हजार में बेचा है तो कितने का लॉस हो गया तो आप बोलेंगे कि आठ सौ रुपए का लॉस हो गया कितने रुपए पर अड़तालीस सौ पर और ये गुना का सौ हो जाएगा तो ये आठ छक अड़तालीस और ये तीन दुना छः और पचास दुना सौ पचास बटा तीन का मतलब सोलह सही दो बटे तीन परसेंट ठीक तो है, है, है तो लेकिन यही ज्यादा नहीं है बी कि किसी काम के पैंतालीस भाग को अठारह दिन में करते हैं ए अकेले उसी कार्य के साठ अकेले ए उसी कार्य को साठ दिन में पूरा कर सकता है अब ए और बी ने सात काम शुरू किया और सोलह दिन तक काम किया उसके बाद ए काम छोड़ देता है तो बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा अब देखो पहले यह बात समझो कि 45% परसेंट काम को वो कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। तो सौ परसेंट तो काम, तो काम को कितने दिन में करेंगे बताओ इसको सौ बनाने के लिए बीस से गुना करना होगा इसको भी बीस से गुना कर दो चालीस दिन यानी कि ए और बी दोनों यदि पूरा काम करें 100 परसेंट का मतलब पूरा काम करें तो 40 दिन में कर लेंगे और ए अकेले पूरा काम कितने दिन में कर रहा था साठ दिन में और हमें बी का बताना था कि बी बाकी काम कितने दिन में करेगा अब ये तो दिन हो गया यहाँ पर मैं एफिशिएंसी यानी कि क्षमता लिख देता हूँ तो चालीस दिया एक सौ बीस और साठ गुना एक सौ बीस होता है तो यहां से साठ गुना एक सौ बीस यानी कि टोटल कितना काम करना है 120 काम करना है 120 यूनिट का काम करना है जिसमें से इन दोनों ने मिलकर कितना दिन काम कर दिया है दोस्तों 16 दिन काम कर दिया है अब आप बताओ कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे तीन और दो पांच दोनों मिलकर एक दिन में पांच काम करेंगे तो सोलह दिन में ये सोलह पचे अस्सी काम कर देंगे बात समझ रहे हो ये अस्सी काम कर दिए सही था अच्छा अच्छा एक मिनट गड़बड़ हो रहा है यहां पर तभी मैं कि कुछ तो गड़बड़ जा रहा है देखिए गड़बड़ क्या हो रहा था यहां पर ये ए और बी तो यही हो गए ना ए और बी दोनों मिलके एक दिन में तीन इकाई का, का काम करते हैं अगर बी का पूछे तो आप इसमें से इस दो को घटाइएगा तो बी एक दिन में एक यूनिट का, का काम करेगा ये बात बन रहा है अब ये देखो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में तीन यूनिट का, का काम कर रहे हैं तो सोलह दिन में कितना करेंगे सोलह तीन अड़तालीस यूनिट यानी कि 120 में से 48 यूनिट का तो काम हो गया तो रहा कितना तो आप बोलेंगे बहत्तर यूनिट का, का काम रह गया और ये बहत्तर यूनिट किसको करना है बी को करना है तो बी एक दिन में एक इकाई ही, ही काम करता है तो बहत्तर इकाई का काम करने में वो बहत्तर तो होगा ये ये सवाल देखना देख कर आपको लगेगा कि काफी लेंदी सवाल है लेकिन उतना लेंदी है नहीं जितना आपको देखने में लग रहा होगा एक बार सवाल पढ़िए सवाल क्या रहे किसी परीक्षा में ए बी सी यानी कि तीन लोगों का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है तो एवरेज स्कोर इनका दिया है सेवेंटी एट फिर आगे कह रहा है कि सी E का औसत स्कोर बावन है ई एफ का औसत स्कोर अड़तालीस है ई सी का औसत स्कोर साठ है तो A, B, C, D ई e, एफ का औसत स्कोर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा अब बात समझिए यहां पर इतना डाटा दे रखा है तो आप इतना डेटा के घबराइए नहीं आप बस लिखते जाइए देखो ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं पूछूं कि कितना होगा तो आप बोले कि इनका औसत अठहत्तर है तो अगर तीन लोगों का औसत अठहत्तर है यानी कि हर एक अठहत्तर 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 है तो तीनों का टोटल कितना होगा अठहत्तर गुना तीन ए बी सी तीनों का टोटल कितना होगा अठहत्तर गुना तीन ऐसे भी आपने पढ़ा होगा कि योगफल जो होता है वो औसत गुना संख्या होता है तो हम सम निकालने के लिए क्या करेंगे नंबर और इंटू का एवरेज करेंगे आठतिया चौबीस का चार और सातियां इक्कीस और दो तेईस हो गया दो सौ चौंतीस बनेगा आठतिया चौबीस का चार और सातियां इक्कीस अब ऐसे ही देखो सी का और डी का और ई का अगर हम बात करें तो इनका औसत बावन है तो बावन को तीन से गुना कर लो तो दो तिया छह और पांच तिया पंद्रह यानी कि एक 156 बन गए ठीक है ऐसे ही ई का औसत आपको मालूम है अड़तालीस है तो ई का योगफल कितना होगा तो आप बोलेंगे ई e प्लस होगा अड़तालीस गुना छानबे और वैसे ही लास्ट में आपको ई और सी का भी दिया है कि साठ है तो E प्लस सी अगर मैं पूछूं कि इनका योगफल कितना होगा तो साठ गुना एक सौ बीस होगा अब बात समझना ये इक्वेशन फर्स्ट है मैं आपके समझने के लिए लिख देता हूं ये दूसरा है ये तीसरा इक्वेशन है और ये चौथा है अब एक बात समझना हमें निकालना है किसका औसत ए से F तक का यानी कि हमें यह निकालना है देखो औसत का मतलब हमें बताना है और बटा ये छह संख्याएं हैं तो छह से भाग करना है बात समझ रहे हो ये हमें बताना है अब ये इनका योगफल कैसे निकालें मेन बात ये निकालना रहा ना ये कैसे निकालें तो हम एक काम करते हैं अब ध्यान से एक बात समझना अगर मैं पहले समीकरण को ले लूं तो इसमें ए बी सी तक आ गया फिर दूसरे समीकरण को भी अगर मैं जोड़ लूं दूसरे समीकरण को इसमें तो आप बोलेंगे A, B, ए बी सी के बाद डी और ई भी आ गया एफ बाकी रह रहा है तो मैं तीसरे इक्वेशन को भी इसी में जोड़ रहा हूं अगर ए बी सी तीनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया तो क्या क्या मिलेगा देखो आप बोले कि ए में हमें मिल रहा है देखो ए मिल रहा है बी मिल रहा है और सी मिल रहा है दूसरे वाले में क्या मिल रहा है हमें सी डी और ई मिल रहा है और तीसरे वाले में हमें ई और एफ मिल रहा है लेकिन हमें क्या चाहिए था तो आप बोलेंगे हमें ए बी सी तो चाहिए था ही फिर डी और ई चाहिए था और फिर एफ चाहिए था बस इतना ही चाहिए था ना अब आप बोलें कि देखो तीनों को जोड़ने से जो गलती हो रही है वो ये हो रही है कि सी यहां पर भी आ गया और ई e भी यहां पर आ गया जबकि ई e को हमने यहां ले लिया था और सी को यहां ले लिया था यानी कि आप कहेंगे कि ई e और सी दो बार आ चुके हैं बात समझ रहे हो कि नहीं सी पहले वाले में भी जुड़ गया है और फिर दूसरे वाले में भी जुड़ गया है वैसे ही ई e दूसरे और तीसरे वाले में जुड़ गया है तो मैं कहूंगा कि ये काम करते हैं इसमें से यदि मैं सी को और ई e को एक बार घटा दूं दू e और सी को तो बात बन जाएगी ई e और सी जैसे घटाएंगे तो इस ई e से एक ई e कट जाएगा और इस सी से एक सी कट जाएगा उसके बाद देखो हमारे पास यहां से ए बी सी रहेंगे और यहां से डी रहेगा और यहां से क्या रहेगा हमारे पास इसका ई e और एफ रह जाएगा ठीक है हमें यही चाहिए था ना ए बी सी डी ई एफ बात समझ रहे हो यानी कि पहला समीकरण दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण जोड़ेंगे इसमें से चौथे वाले को हम माइनस कर देंगे अगर हम पहले तीनों को जोड़कर लास्ट वाले को माइनस कर दें तो ऐसे हमारा ए से एफ तक निकल जाएगा तो हम यही काम करते हैं देखो दो में ये जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे और एक को हम माइनस करेंगे ठीक है तो आप एक काम करो लिख लो दो और प्लस एक और प्लस का 96 और माइनस का 120 तो हम इसी को 120 बना देते हैं 34 देना पड़ेगा कि चौबीस देना पड़ेगा चौबीस देना पड़ेगा तो इसको हम चौबीस दे देते हैं इसका उठा के तो एक सौ से एक कट जाएगा और ये चौबीस कम हो जाएगा तो ये दो और प्लस का एक रह जाएगा तो ये तीन बन गया और हमें क्या बताना था इनका योगफल बटा बटा तो तो ये बटा हो गया तो और छह एक बार में यानी कि इसका आंसर आएगा ठीक है अगला सवाल में कह रहा है आपको कि दो वर्ष के लिए पांच परसेंट की दर पर उधार दिया गया ठीक है फिर अगले तीन वर्ष के लिए नौ परसेंट की दर पर और अगले पांच वर्ष के लिए उसके बाद पांच वर्ष बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो थर्टीन परसेंट का लगता है तो दस साल के बाद यदि ब्याज के रूप में इक्यासी सौ साठ रुपए प्राप्त हुए तो वो राशि कितनी थी देखो बात की गई है दस वर्ष के पहले बात समझना दस वर्ष में से ये कह रहा है कि पहली बार दो वर्ष के लिए दिया गया ठीक है अगला बार तीन वर्ष के लिए दिया गया यहां से ठीक है तीन दो पांच वर्ष पूरे हो गए तो ये कह रहा है कि पांच वर्ष के बाद जो टाइम बचेगा उसमें तेरह वर्ष के लिए तेरह प्रतिशत के का रेट लगेगा तो हमने बोला कि देखो दस वर्ष के लिए तो उधार ही दिया गया है उसमें से दो वर्ष और तीन वर्ष निकल गया पांच वर्ष निकल गया तो अगला बार पांच वर्ष के लिए उधार दिया गया होगा ठीक है अब आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पहली बार पांच परसेंट का रेट लगा है तो यहाँ पांच परसेंट का लग गया दूसरी बार नौ परसेंट का लगा है तो यहां नौ परसेंट का रेट लगेगा और तीसरी बार थर्टीन परसेंट का लगता है तो थर्टीन परसेंट का तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा आप बता दो एक मिनट ये गलत जगह लाइन खींच गया ना टोटल ब्याज यहां से पांच एक साल में मिलता है तो दो साल में दस मिल जाएगा यहां से हर एक साल नौ परसेंट मिलेगा तो तीन साल में सत्ताईस परसेंट बनेगा और यहां से तेरह पचे पैंसठ परसेंट तो टोटल कितना ब्याज बन गया सबको जोड़ लो सबको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा ये तो ये सत्ताईस है ये इसमें पच्चीस अगर हम मिला दे पैंतीस मिला दे तो ये सौ बन जाएगा ना तो दो एक्स्ट्रा बन रहा है यानी कि एक बन गया और इसका मान सवाल में दिया है कितना इक्यासी और हमें मूलधन बताना है मूलधन हमेशा प्रिंसिपल हंड्रेड होता है तो हंड्रेड निकालना है ठीक है अब आंसर निकाल लेते हैं देखो ये 102 17 से कटता है तो निश्चित रूप से 17 से कटना चाहिए 17 अगर 17 से इसको काटूं मैं तो ये 17 छक 102 बन जाएगा तो 8 छः चौदह एक पंद्रह पहले तीन से ही काट लेते हैं चलो कोई बात नहीं ये 17 चौके अड़सठ तो कितना बचेगा 17 अठे एक सौ छत्तीस तो ये कट जाएगा 6 से छह अठे अड़तालीस यानी कि एक का मान आठ के बराबर है तो सौ का मान कितना होगा एक का मान अस्सी के बराबर होगा ये जीरो भी तो है एक का मान अस्सी के बराबर है तो सौ का मान आठ हजार के बराबर होगा ठीक है तो ये आंसर होगा अपना ऑप्शन डी आगे बढ़े अगला सवाल देखिए कह रहा है कोई विक्रेता अपनी सामग्री पर मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर सोलह परसेंट का डिस्काउंट देने के बाद उसे छब्बीस परसेंट का प्रॉफिट हो जाता है यदि क्रैमूल दिया है तो अंकित मूल्य क्या होगा एमपी और सीपी का गोल्डन रेशियो आपको याद होगा एमपी कैसे लिखते हैं हंड्रेड और प्लस का प्रॉफिट और ये परसेंटेज में होता है और ये लिखते हैं हम छब्बीस परसेंट पर तो तो का तो ये एक सौ छब्बीस बन जाएगा और सौ में से डिस्काउंट यानी सोलह परसेंट माइनस करेंगे तो ये चौरासी बन जाएगा अब देखो ये कट जाएगा बयालीस से दो बार में और ये बयालीस से तीन बार में तो रेशियो आ गया फोर्टी से मैंने काटा है रेशियो थ्री और टू का रेशियो आ गया अब सीपी हमें मालूम है सवाल में कि सीपी तीन सौ अठारह है यानी कि इस टू की वैल्यू कितनी है थ्री वन एट है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी पंद्रह और नौ दुना तीन की वैल्यू बतानी है तो तीन की वैल्यू नौतिया सत्ताइस और पंद्रहतियाँ पैंतालीस और दो सौ सैंतालीस फोर सेवन सेवन अपना आंसर आएगा दिस वन इज द करेक्ट आंसर अगला सवाल देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है आपको इसको सिंपलीफाई करना है तो इसीलिए इसको इंग्लिश में मैंने नहीं लिया क्योंकि हिंदी इंग्लिश पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें तो हम ब्रैकेट शुरू करते हैं किसी भी ब्रैकेट को पहले जैसे इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं तो ये कितना बनेगा बताओ पाँच चौ के बीस और एक इक्कीस बटा चार बन गया और इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है तो ये एट बाई थ्री हो जाएगा और इन का ये कितना है थ्री बाई सेवन है और इन सब के साथ जब इसका करेंगे तो पहले ऑफ को भी हमें चेंज करना पड़ेगा तो ऑफ़ को मैं लिख देता हूँ कि ये नौ सात सोलह बटा नौ है ठीक है फिर इस डिवाइड पर आएंगे तो इनको पहले काट लो ये सात तिया इक्कीस से इक्कीस कट गया और ये चार चौ के सोलह कट गया और ये तीन तिया नौ कट गया ठीक है और कुछ रह तो नहीं गया तो ये आ गया अपने पास आठ चौके बत्तीस बटा तीन अब इसको भी कंसिडर करें तो ये कितना था पांच पंद्रह और एक सोलह बटा तीन था और ये जो बत्तीस बटा तीन है इसके बीच में यहां डिवाइड का साइन है तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उल्टा हो जाएगा तीन ऊपर और बत्तीस नीचे हो जाएगा तो ये सोलह दुना बत्तीस और तीन से तीन कट गया तो ये वन बाई टू आ गया अपना ठीक है अब बात करते हैं इस ब्रैकेट की तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा देखो अपने पास इस ब्रैकेट के अंदर पहले हम इस डिवाइड को करेंगे ठीक है तो ये हो गया अपने पास चार दुना आठ और तीन ग्यारह बटा चार और डिवाइड को हम क्या लिखेंगे नौ ऊपर और चार को नीचे ठीक है और ये अपना कितना था आठ बटा ग्यारह था यही बनेगा बात समझ रहे हो आठ बटा ग्यारह तो शुरू में वैसे ही रहना है यहाँ से डिवाइड केवल चेंज होगा डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये उल्टा हो गया अब ग्यारह से ग्यारह कट गया और ये चार दुना आठ और ये दो दुना चार तो यहाँ कितना आ गया नाइन बाई आ गया ठीक है और शुरू में हमारे पास फाइव बाई एट भी था तो आप चाहो तो यहीं पर फाइव बाई एट डिवाइडेड बाई ये लिख लो तो ये फाइव बाई एट और ये तो उल्टा हो जाएगा दो ऊपर और नौ नीचे तो ये दो से कट जाएगा दो चौके आठ तो ये कितना आ गया पांच बटे छत्तीस अब पूरा क्लियर क्लियर कर लो देखो हमारे पास हमने ये पूरा यहाँ से यहाँ तक निकाला तो कितना आया अपने पास पांच बटा छत्तीस आ गया और इसके बाद वाला जो निकाला है ये सब वो कितना आया है वन बाई टू और बीच में यहाँ पर प्लस था ना तो हमें प्लस करना है पांच बटा छत्तीस में वन बाई टू एट करना है तो ये अठारह दुना छत्तीस अठारह और पांच कितना होगा तेईस बटा छत्तीस आएगा तेईस बटा छत्तीस यानी कि पहला विकल्प आंसर सही है ये आप एक बार आईडी याद कर लो देखो एनके मैथ्स और अंडर स्कोर कुमार ये यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब पे यही आईडी है आप जरूर से सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लेट एक्स विद लिस्ट नंबर विच ऑन बिंग डिवाइडेड बाई एट ट्वेल्व और ये पूरा इतना दिया है लिवस अ रिमाइंडर ऑफ सेवन इन इच केस व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाय 29 ये कह रहा है कि एक्स एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको जब हम 8 12 15 24 25 और 40 से डिवाइड करते हैं तो भाग करने पर हर एक स्थिति में सात आपका शेषफल बचता है यदि हम उसी संख्या को यानी कि एक्स को 29 से डिवाइड करें भाग करें तो क्या शेषफल बचेगा तो आप एक बात समझो सबसे कट जाता है देखो 8 से बारह से पंद्रह से चौबीस से और पच्चीस से और चालीस से सबसे कटने वाली संख्या कौन सी होगी जो सबसे डिवाइड हो जाए वो इनकी एलसीएम होगी यानी कि जिसको आप लघुतम बोलते हैं लघुतम समाप्त वर्तक तो एलसीएम वो नंबर होती है जो वो इन सब से कट जाएगा ठीक है लेकिन आपको काटना नहीं है आपको उसमें सात शेष भी मचाना है तो निश्चित रूप से वो संख्या जो एक्स होगा वो क्या होगा एलसीएम और प्लस का सेवन होगा एलसीएम में हम सात देखो एलसीएम तक तो पूरा पूरा कट जाएगा लेकिन हमें सात शेषफल भी चाहिए तो हमें सात जोड़ना पड़ेगा तो आप पहले एलसीएम निकाल लो इनका लघुत्तम कितना होगा मैं आठ को ही तोड़ लेता हूं आठ को आप लिख सकते हैं कि ये चार दुना आठ है फिर हमें बारह चाहिए तो एक तीन लगा लेते हैं चार तीन बारह हो जाएगा पंद्रह चाहिए तो एक पांच लगा लेते हैं पांच तीन पंद्रह चौबीस चाहिए तो आठ तीन चौबीस ही चुका है और चालीस चाहिए आठ पर चालीस तो ये एलसीएम बन रहा है तो ये पांच तिया पंद्रह और पंद्रह दुना तीन चौका बारह एक सौ बीस कुछ छूट तो गया क्या अच्छा चालीस चार दुना आठ पचे चालीस बन गया पांच पचे पच्चीस यानी कि एक और पांच लगेगा इसमें तो ये छह सौ बन गया छह सौ अपना एलसीएम आएगा इसमें सात जोड़ना भी है तो एक्स का मान कितना आ जाएगा छह सौ सात आ जाएगा अब कह रहा है कि इसको उनतीस से भाग करें तो क्या शेष बचेगा छह सौ सात को आप उनतीस से डिवाइड करो तो ये उनतीस दुना अट्ठावन कटेगा और कितना रह जाएगा दो और सात तो सत्ताईस शेषफल बचेगा अपना ये आंसर होगा पहला अगला सवाल कह रहा है ऐसे काफी सवाल आ रहे हैं आजकल की टाइम आपको ऐसे दे रहा है फ्रैक्शन में और जो सॉरी टाइम हाँ टाइम फ्रैक्शन में देगा और ये जो कंपाउंडेड है ये भी आपको मंथली कुछ दे देगा तो आप एक बात समझो कि रेट जो हमारे पास 18 परसेंट है वो क्या है वार्षिक दर है वार्षिक का मतलब कितना देना होगा देखो बारह माह के लिए अठारह है तो चार माह के लिए कितना होगा थ्री कि तो तो से डिवाइड कर दो चार माह के लिए छे होगा और आठ माह के लिए कितना बनेगा तो आप बोले कि ये डबल हो रहा है ना तो इसको भी डबल कर लो तो छे दुना बारह यानी कि हमें बारह परसेंट का रेट देना होगा हर एक आठ महीने पर और टाइम देखो आप टाइम कितना दिया है ये एक साल और एक बटा तीन वर्ष का मतलब क्या हुआ या इसको तोड़ लो पूरा तो तीन और एक चार बटा तीन हो गया इसको मैं महीना में कन्वर्ट कर रहा हूं तो बारह से गुना करेंगे तीन चौ के बारह चार चौ का सोलह माह सोलह माह को आप आठ आठ माह दो बार बांट सकते हैं कि आठ माह यहां आ गया फिर से आठ माह एक बार और आएगा यानी कि दो बार बन रहा है ना तो आप टाइम को दो ले लो

पच्चीस दशमलव चार चार प्रतिशत हमें बताना है किसका भाई बारह हजार का तो जो सीआई बनेगा एक्चुअली में ये कितना बनेगा बारह हजार का ट्वेंटी अब यहां से कोई इश्यू नहीं है ये तो देखो अब सारे ऑप्शन कितने दूर दूर हैं ये सैंतालीस सौ के पास है ये तीन हजार के ये उनतीस सौ अस्सी है तो तीन हजार के करीब है ये भी तीन हजार के करीब है और ये अड़तीस सौ काफी दूर है ये सारे दूर दूर ही है आप इनमें थोड़ा सा ये थोड़े करीब करीब के दिख रहे हैं तो आप एक तो कि इनका यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं जैसे कि ये फोर टूजा एट हो रहा है अगर जीरो को हम साइड कर दें तो तो फोर टूजा एट किस में आ रहा है देखो एट इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है तो इनकी बात आप करो ही मत बिल्कुल अब ये दो ऑप्शन जो बचे ये काफी दूर दूर है ये सैंतालीस के पास है और तीसरा ऑप्शन तीन हजार के पास है तो हम एक काम करते हैं इसका पच्चीस हजार पच्चीस परसेंट ही निकाल लेते हैं ये तो आधा परसेंट के पॉइंट फोर फोर का मतलब पॉइंट फाइव परसेंट पॉइंट फाइव का मतलब आधा परसेंट ठीक है तो आप इसका पच्चीस परसेंट निकालो पच्चीस परसेंट वन बाई फोर होता है तो पच्चीस परसेंट इसका तीन हजार बन जाएगा तो तीन हजार के सबसे करीब वाला यही आंसर बचता है क्योंकि दो तो हम पहले ही काट चुके थे और करीब जाना है तो आप कहोगे पॉइंट फोर फोर का मतलब हम पॉइंट फाइव परसेंट यानी कि आधा परसेंट और ले लेते हैं तो इसका देखो इसका एक परसेंट कितना बनेगा एक सौ बीस और आधा परसेंट साठ बनेगा तो आपका तीन हजार साठ सबसे करीबी आंसर होगा और तीन हजार साठ देख रहे हो ये तीन हजार बावन पॉइंट समथिंग है ये आंसर होगा अगला सवाल देखिए आपको माध्या और परास बताना है मैंने बोला था ना कि रेलवेज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आरआरबी में बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसने एमटीएस में पूछ लिया तो इसलिए आप ये मत समझिए कि ये रेलवे वालों के लिए फायदेमंद नहीं है ये क्लास बिल्कुल ये वीडियो जो है वो रेलवे वालों को भी उतना ही फायदा करेगी जितना एस वालों को ठीक है और एस वाले भी ये बात समझ जाए कि अब एस में भी मीडियन और रेंज पूछे जा रहे हैं ठीक है तो आपको एस्टेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा सही से तो मीडियन निकालने के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना होगा तो मैं यहाँ पर ऑर्डर लिख लेता हूँ असेंडिंग यानी आरोही क्रम बढ़ते क्रम जिसको आप बोलते हैं तो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है दो दिख रहा है तो पहले मैंने दो ले लिया फिर देखो तीन दिख रहा है दो जगह तो हम तीन लिख देते हैं तीन के बाद चार भी है क्या चार है यहाँ पे चार लिख देते हैं पांच तो नहीं है मुझे लग रहा है पांच के बाद छह भी नहीं है तो सात लिखेंगे सात दो जगह है तो हम सात को दो बार लिख देते हैं सात के बाद आठ भी है यहाँ पर तो आठ लिख दिया फिर यहाँ पे नौ है नौ लिख दिया दस भी है यहाँ पे दस भी लिख दिया ग्यारह बारह है तो बारह लिख दिया फिर तेरह तो नहीं है चौदह भी नहीं है पंद्रह है यहाँ पर तो पंद्रह लिख दिया उसके बाद सोलह भी है तो ये सोलह भी लिख दिया फिर सोलह के बाद क्या बचता है हमारे पास बीस और तेईस बचता है तो मैंने लिख दिया कि बीस है और तेईस है अब बताओ कि ये कितने नंबर बने पहले एन का मान इनको काउंट कर लो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह एन का मान ये चौदह बन गया ना तो जो मेडियन निकलेगा इसका ठीक है वो क्या होगा एन बाई टू और एन बाई टू प्लस वनवा ठीक है ये जो आपको इसमें डेटा मिलेंगे उनका एवरेज होता है ठीक है तो देखो एन बाई टू का मतलब एन का मान सात आ गया है ना तो सात का आधा होगा कितना सॉरी एन का मान चौदह है ना तो चौदह का आधा सात यानी कि सातवें और आठवें सातवां और आठवें पे इसमें कौन सा आ रहा है देखो ये पहला है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा सातवें और आठवें पर आठ नौ आ गया तो इनका जो एवरेज बनेगा वही मीडियन होगा तो आठ नौ सत्रह बटा दो बन गया ये तो सत्रह बटा दो इनका मीडियन बन गया और अगर बात करते हैं हम किसकी इसमें रेंज की अगर बात करें रेंज को हम परास बोलते हैं तो परास का मतलब होता है सबसे बड़ा वाला माइनस सबसे छोटा वाला लार्जेस्ट माइनस का स्मॉलेस्ट तो सबसे बड़ा तेईस है और सबसे छोटा कितना है दो इनको घटा लो तो ये इक्कीस आ जाएगा तेईस में से दो जाएगा इक्कीस अब इन दोनों का एवरेज हमें बताना है कि इस इक्कीस का और इसका एवरेज क्या होगा तो सत्रह बटा दो में इक्कीस जोड़ोगे मैं लिख देता हूं सत्रह बटा दो प्लस का इक्कीस बटा दो यही एवरेज बनेगा ना दोनों को जोड़कर उस संख्या से भाग कर दो तो इक्कीस दुना बयालीस और सत्रह कितना हो जाएगा सात दो नौ उनसठ बटा चार तो ये चार से भाग करोगे तो चौदह चौके छप्पन और पॉइंट सात पांच आएगा ये होगा अपना आंसर

अब इसको पूरा लिख देते हैं पहले कितना था उनचालीस माइनस का यहां पर तीस और माइनस का 33 33 है ना और माइनस का 18 आ गया है हमारे पास ठीक है ये ब्रैकेट में था अब ये कितना हो गया अपने पास उनचालीस और माइनस ये हो गया तीस माइनस अठारह में से तैंतीस घटाएंगे तो 18 से तीन कम बचेगा पंद्रह तो ये भी पंद्रह आएगा और उनचालीस में से पंद्रह जाएगा तो कितना बचेगा चौबीस तो ये अपना आंसर है ठीक है यहाँ पर आपको क्या बोला गया दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है आप चाहें तो पहले डायरेक्ट ही काम कर सकते हैं फिर भी लिख लेते हैं ऊपर है अपने पास एट बाई थ्री और मल्टीप्लाइड बाई ये चेंज होगा ना पांच ऊपर और तीन नीचे हो जाएगा और गुणा का कितना हो गया सात बटा पांच और डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया अपने पास पांच बटा तीन और गुणा का सात बटा पांच और गुणा का आठ बटा नौ और इंटू का ये डिवाइड में सिक्स है तो इसको वन बाई सिक्स कर लेते हैं क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर लिया है अब देखो यहां पर जो कट रहा है तो आप बोलेंगे क्या क्या कट रहा है देखो जरा इस पांच से ये पांच कट गया ठीक है और इसमें भी इस पांच से ये पांच कट गया फिर देखो ये तीन और तीन से ये नौ कट गया नीचे वाला क्योंकि दोनों नीचे नीचे है तो कट सकता है ये ऊपर सात है इसमें भी ऊपर सात है इसमें आठ है इसमें भी आठ है तो ये कट गया अब कितना बचा देखो इसमें ऊपर तो कुछ नहीं बचा ना तो हम मान लेते हैं कि वन बचा इसमें नीचे क्या बचा बस ये नीचे तीन बचा है तो नीचे एक बटा तीन हो गया और इन का ये वन बाई सिक्स तीन वर्ष पहले ए बी सी का एवरेज जो एज था वो ट्वेंटी नाइन था पांच साल पहले बी सी का एवरेज कितना था ट्वेंटी थ्री तो ए की वर्तमान कितनी है अब देखो ये कब की बात है तीन साल पहले अगर एवरेज ट्वेंटी नाइन था तो आज कितना होगा तीन साल बढ़ जाएगा यानी कि आज एवरेज कितना होगा इनका बत्तीस और ये पांच साल पहले एवरेज इनका है ट्वेंटी थ्री तो आज कितना होगा इनका अट्ठाइस होगा पांच बढ़ जाएगा एवरेज क्योंकि सारे पांच पांच साल बढ़ेंगे तो एवरेज भी पांच बढ़ जाएगा सीधी सी बात है अब अगर मैं पूछूं ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा तो आप बोले कि अगर औसत बत्तीस है तो इनका टोटल योगफल कितना होगा बत्तीस गुना तीन तीन लोगों का औसत बत्तीस है तो उनका योगफल कितना होगा बत्तीस गुना तीन नाइनटी सिक्स वैसे ही बी और सी का यदि मैं पूछ लूँ कि योगफल कितना होगा तो इनका जो एवरेज था वो कितना था अट्ठाइस तो इनका सम कितना हो जाएगा अट्ठाइस का डबल छप्पन बस माइनस कर लो तो ये बी सी तो कट जाएंगे और ये घट के कितना आ जाएगा चालीस तो ए का मान कितना बच गया अपने पास फोर्टी ठीक है अगला सवाल देखिए आपको ये कह रहा है कि द साइड ऑफ अ ट्राइगुलर फील्ड आर 96 मीटर 110 मीटर एंड 146 मीटर द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट 5.60 रेट पर मीटर स्क्वायर ये आपको ये दिया गया है कि इस रेट से क्या करना है फील्ड को कवर कराना है ठीक है समतल कराना है तो उसके लिए कितना खर्चा बैठेगा अब एक बात समझिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो हमारे पास दो उपाय बनता है तीनों भुजाएं आपके पास हैं 96 है 110 है और 146 है या तो आप यहां पर हीरोन का सूत्र लगा लो जिसमें हम एस इजक्वल टू लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई टू और ये जो एरिया बनता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए वाला ये फर्दर जो लगाते हैं या फिर आप चेक करो कि ये तीनों कहीं ट्रिपलेट तो नहीं बन रहे हैं अगर ये ट्रिपलेट बन गए तब तो हम ये लगा देंगे बेस हाइट वाला एरिया का फॉर्मूला ठीक है तो आप चेक कर लो एक बार ट्रिपलेट बनेंगे कि नहीं आप आधा आधा करके भी चेक कर सकते हैं ये टू से डिवाइड हो रहे हैं लेकिन उससे अच्छा है कि हम ऐसे ही स्क्वायर कर लें लेकिन नाइनटी सिक्स का स्क्वायर करना तो ईजी है बताओ सौ से कितना कम है चार कम है तो चार का स्क्वायर सोलह हो जाएगा और इसको चार और कम कर दो तो ये इतना बन गया इसका स्क्वायर कितना होगा ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस और डबल जीरो तो देखो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का जोड़ कितना आ गया छह और ये एक और ये दो और एक तीन नौ दो एक ग्यारह का एक ये इकतीस तीन सौ सोलह आ गया इक्कीस तीन सौ सोलह बड़ी भुजा का एक बार स्क्वायर करके चेक करो ये एक सौ छियालीस है तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको पता है कि ये डेढ़ सौ से चार कम है तो चार का स्क्वायर सोलह लास्ट में आ जाएगा तो मुझे लगता है कि इसके बराबर ही आएगा ये ट्रिपलेट है आप एक बार चेक कर लेना ठीक है और अगर पूरा ही निकालना है तो निकाल लो आप देखो ये डेढ़ सौ से चार कम था ना तो चार कम स्क्वायर मैंने कई बार पढ़ा है कि स्क्वायर कैसे करते हैं ये डेढ़ सौ से चार कम है तो चार का स्क्वायर सोलह हो गया और एक सौ छियालीस को चार और कम करो चार और कम करेंगे तो ये एक सौ बयालीस बनेगा और इसका थ्री बाई टू देख लो कितना होगा वही यहाँ पर लिखना है तो थ्री बाई टू आप टू से इसको काटोगे तो सेवेंटी वन होगा और ये तीन एक कम तीन और साथ ही इक्कीस देख रहे हैं, इसके जितना बन गया कि नहीं यानी कि ये ट्रिपलेट है तो अब हम यदि खर्च निकालें तो खर्च का मतलब बस हमें क्षेत्रफल निकालना है एरिया और इंटू का ये करना है कितना फाइव पॉइंट सिक्स यही बताना है ना तो एरिया तो वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा नाइनटी सिक्स इंटू इलेवन जीरो और इंटू का फाइव पॉइंट सिक्स अब इस पॉइंट से ये जीरो कट जाएगा और दो से इसको काट सकते हैं अट्ठाइस दो न छप्पन यूनिट डिजिट चेक कर लें देखो छ और छ अठे अड़तालीस लास्ट में आठ आएगा ना इसमें इस ऑप्शन में, इस में है लास्ट में आठ ये आंसर होगा बात समझ रहे हो मैंने क्या किया यूनिट डिजिट चेक किया मैंने ये बोला कि हमें अब मल्टीप्लाई करना था नाइनटी सिक्स इंटू इलेवन इंटू ट्वेंटी एट तो मैंने केवल इसको, इसको गुना किया तो एक हम आ गया और छह को आठ से गुना किया छह अट्ठे अड़तालीस यानी कि आंसर के लास्ट में आठ आएगा वो किस में है वो ऑप्शन सी में है ठीक है तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और वीडियो पसंद आ रहा है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक जरूर करना ठीक है अगला सवाल देखिए इसमें यह कह रहा है कि वेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर सिक्स फोर्टी रुपीज दे इज ए लॉस ऑफ ट्वेल्व परसेंट

आप बताओ अगर मैं आठ से काट लूँ तो आप बोलेंगे दोस्तों ये ग्यारह अठे अट्ठासी कटता है तो ये ग्यारह परसेंट का मान कितना होगा आठ से काटेंगे तो आठ अठे चौंसठ इसको भी मैंने काट दिया इसको भी काट दिया आठ से अब इसको एक सौ इक्कीस हम कैसे बना सकते हैं तो ग्यारह से ही मल्टीप्लाई करना होगा तो इधर भी मैं ग्यारह से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ग्यारह आठ अट्ठासी आठ सौ अस्सी आएगा ऑप्शन सी है आठ सौ अस्सी अगला सवाल कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन सोल्यूशन एंड बी इज टू इंटू सेवन एंड फोर इंस टू फाइव रेस्पेक्टिवलीफ फोर इंस टू थ्री वट इज द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर एसिड टू वाटर सॉरी रेशियो के लिए two ही यूज होता है ठीक है एसिड टू वाटर इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन आपको ये कह रहा है कि दो आपके पास बर्तन हैं दोनों में अम्ल और जल का जो रेशियो दिया है वो टू इंस टू सेवन और फोर इंस टू फाइव है इनको फोर इंस टू थ्री के रेशियो में मिलाकर एक नया विलियन बनाया गया तो उसमें अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा देखो ए में क्या रेशियो है आप बोलेंगे टू इंस टू सेवन है बी में क्या रेशियो है फोर इंस टू फाइव है आप बोले कि ये टोटल नाइन है ये भी टोटल नाइन है इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं तो सात दो नौ ये भी सात दो नौ है ये पहले से ही बराबर है अब पहले से बराबर है तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है अब देखो पहले का चार लेना है चार इकाई तो पहले वाले को हम क्या करेंगे इस वाले को हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे का हमें तीन यूनिट चाहिए दूसरे से तीन चाहिए तो दूसरे वाले को हम थ्री से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे ये कितना बनेगा बताओ चार से गुना करेंगे तो दोनों को गुना करना होगा चार से ध्यान रखना इसको गुना करो आठ और चार सत्य अच्छा तो और तैंतालीस तो तो आंसर होगा ऑप्शन बी ठीक है अगला सवाल देखिए इसमें ये कह रहा है कि कोई कार किसी निश्चित एक समान चाल से किलोमीटर पर आवर में बोल रहा है साढ़े चार सौ किलोमीटर की दूरी तय करती है यात्रा में लगे घंटों की संख्या यानी कि समय चाल को निरूपित करने वाली संख्या का वन बाई एट है तो दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय अच्छा देखो ये कह रहा है कि चाल जो समय है समय ध्यान समझिए समय ये कह रहा है कि चाल का कितना है वन बाई एट है ठीक है तो यहां से अगर मैं चाल को इधर ला दूं तो आप बोले कि जो समय होगा दोस्तों टाइम अपॉन स्पीड ये वन बाई एट आ गया तो एक काम करते हैं हम इसको मान लेते हैं केवल एक और इसको मान लेते हैं ए टिक्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये वन और एट का रेशियो ले रहे हैं तो मैं एक्स और 8X ले लेता हूं अब यहां पर ये कह रहा है कि देखो अब अगर मैं निकालू टाइम यहां पर एक बात समझना अगर हम यहां पर ये यह निकालें दोस्तों कि कितना टाइम लगेगा तो आप देखें कि साढ़े चार सौ किलोमीटर की आप टाइम कैसे निकालते हैं बताओ समय निकालने का सूत्र तो यही है ना दूरी बटा चाल डिस्टेंस अपॉन का स्पीड तो मैं लिख रहा हूं कि देखो समय हमारे पास कितना है दोस्तों यहां पर एक्स है और दूरी कितना था साढ़े चार सौ और चाल कितना था चाल था हमारे पास एट एक्स तो नीचे मैं रख दूट अब एक्स इधर आएगा तो ये एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना चार सौ पचास बटा आठ इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा दो सौ पच्चीस बटा चार तो एक्स का मान कितना हो जाएगा दो सौ पच्चीस किसका स्क्वायर है पंद्रह का और चार किसका स्क्वायर है दो का तो ये सेवन पॉइंट फाइव या सेवन इंस टू वन बाई टू आएगा हमसे यही पूछ रहा है ना कि समय कितना लगा समय पूछ रहा है और समय हमने एक्स माना था तो एक्स का मान सेवन एस टू वन बाई टू आ गया ये अपना आंसर होगा अब ये क्वेश्चन देखिए रेशियो का आपको दिया गया है रेशियो का ये क्वेश्चन दिया गया है और आपसे ये पूछ रहा है रेशियो में आपको पता है कि अगर इस फॉर्मेट में लिखा गया है तो इसका मतलब बटा भी होता है तो मैं बटा में लिख देता हूँ या फर्स्ट इंटू लास्ट इज इक्वल टू बीच का मल्टीप्लाई ये आपने पढ़ा होगा तो मैं फर्स्ट इंटू लास्ट ही कर लेता हूँ ग्यारह से गुना करेंगे सात को तो ग्यारह सतह सतहत्तर ए क्यू और माइनस पंद्रह सते एक सौ पांच बी क्यू बनेगा और इजक्वल टू इन बीच वाले को गुना करेंगे तो दस पचे कितना बनेगा पचास ए क्यू और प्लस पाँच चौके बीस और बीक्यू फिर मैं पचास को इधर ला देता हूं और इसको इधर भेज देता हूं तो आप बोलेंगे कि 50 और बटा तो तो का सत्ताईस जो क्यूब किसका है पांच और तीन का क्यूब है तो ये क्यूब क्यूब कटेगा ठीक है तो ए बाई बी अपने पास कितना आ गया पांच बटा तीन यानी कि ए को हम पांच और बी को तीन रख सकते हैं तो इसमें रख दो एक को पांच रखेंगे तो ये नौ और एक जगह पर पांच यानी कि ये नौ पचे पैंतालीस बनेगा बी के जगह पर तीन रखना है तो पाँच थियाँ पंद्रह बनेगा और नीचे देखो एक जगह पर पांच तो ये पाँच पचे पच्चीस और माइनस तीन थी नौ तो इनको जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा साठ और इसमें से नौ घटाएंगे तो ये सोलह तो ये चार चौके सोलह और पंद्रह चौके साठ यानी कि पंद्रह अनुपात चार बन गए ठीक है ये आंसर होगा अगला सवाल देखिए इसमें हिंदी छूट गई है लग रहा है कोई बात नहीं मैं सॉरी इंग्लिश छूट गई है तो मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन कह रहा है किसी ठोस लंबिती शंकु के आधार का व्यास यानी कि एक आपको आ, कौन दिया गया है शंकु को हम कौन बोलते हैं उसका डायमीटर कितना है उसके बेस का डायमीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर है उसकी हाइट सिक्सटी दिया गया है सिक्सटी सेंटीमीटर और क्या करना है उसको पॉलिश कराना है उसके सरफेस एरिया को ठीक है उसके कर्व सरफेस एरिया को पॉलिश कराना है तो पॉलिश कराने की आपको खर्च बताने कितना एक्सपेंड कितना उस पर पैसा लगाना पड़ेगा ठीक है कितना कॉस्ट होगा उसको पॉलिश करने का उसे क्या है आपको कि सी निकालना है कर्व एरिया और इसको मल्टीप्लाई कर देना है से. बात समझ गए तो हम काम करते हैं यहां पर देखो कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है और इनटू का 1.4 तो अब बोले कि पहले एल निकाल लो यहां पर आर कितना है तो आप बोले कि यदि ब्यास बाईस था तो आर उसका आधा होगा ग्यारह और एच कितना है हमारे पास सिक्सटी तो एल का मान हम निकाल लेते हैं सिक्सटी का स्क्वायर कितना होगा छत्तीस और ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस इनको जोड़ लो तो ये तीन और छ और एक सात इक्कीस इतना आ जाएगा ये किसका स्क्वायर बन सकता है बताओ लास्ट में वन है तो हमें पता है कि नाइन या वन ही आएगा और ये टू वन को छोड़ दें तो सैंतीस से छोटा किसका स्क्वायर है छे का स्क्वायर है छत्तीस तो ये सिक्सटी वन या सिक्सटी नाइन बनेगा लेकिन सिक्सटी फाइव का स्क्वायर करेंगे तो ये सात पच्चीस छोटा है ना तो ये इसका ये स्क्वायर रूट बनेगा यानी कि एल का मान कितना आ गया? 61. भी मैंने कई बार पढ़ाया है अब ठीक है तो इसका जो मान आ गया हमारे पास वो सिक्सटी वन आ गया एल का तो अब मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ पाई का मान बाईस बटा सात आर का मान ग्यारह और एल का मान कितना हो गया सिक्सटी वन और इन का वन पॉइंट फोर अब अगर मैं सात से काटूँ तो ये सात दोना चौदह हो जाएगा जीरो पॉइंट टू तो हमारे पास बच गया बाईस गुना में ग्यारह गुना में सिक्स वन और इंटू का जीरो पॉइंट टू अब अगर मैं यूनिट डिजिट निकाल लू कि यूनिट डिजिट कितना होगा तो आप बोलो दो को एक से गुना करेंगे तो दो आएगा फिर से दो को एक से गुना करेंगे तो दो ही आएगा और दो को दो से गुना करेंगे तो चार आएगा पॉइंट चार एक्चुअली में पॉइंट है तो तो पॉइंट के बाद फोर किस में है पहले ऑप्शन में है तो ये अपना आंसर होगा पूरा कहीं नहीं मल्टीप्लाई करना है पूरा मल्टीप्लाई करने के चक्कर में अगर लगे तो पूरा मल्टीप्लाई करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी और आप पता चला कि आधा से ज्यादा टाइम मैथ बनाने में ही लगा दिया फिर भी पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाए ठीक है तो निश्चित रूप से आपको फास्ट होना पड़ेगा कैलकुलेशन की ये सारी विधियां सीखनी पड़ेगी आगे बढ़ता हूं अगला सवाल देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन काफी सारा आ गया है रेशियो का तीन चार क्वेश्चन मुझे लगता है कि दो तीन क्वेश्चन तो मिल ही गए ये कह रहा है कि चालीस सौ पचानवे रुपए को एबीसीडी के बीच में इस प्रकार डिवाइड करना है कि ए और बी का जो अनुपात बने हिस्सा का वो एक तीन का बने बी सी का रेशियो दो पांच और सी डी का रेशियो भी दिया है तो बी और डी का आपको अंतर बताना है कितना होगा तो मैं लिख लेता हूं पहले आपको पता है कि आपको ये रेशियो निकालना पड़ेगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना पड़ेगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये ए है बी है सी है और डी है ठीक है ए बी का क्या रेशियो था तो आप बोलेंगे कि ए बी का वन इसी था बी सी का क्या था दो अनुपात पांच तो मैं बी और सी को यहां लिख देता हूं दो पांच फिर सी डी का कितना था दो और तीन अब रेशियो कैसे कंप्लीट करते हैं सबसे आसान तरीका तो यही है कि इधर तीन के बगल में जगह खाली है तो हम तीन तीन लगा दें इधर पांच के बगल में जगह खाली है तो पांच लिख दें इधर दो लिख दें और इधर टू के साइड में है ना तो ये टू टू लिख दें अब सबको मल्टीप्लाई कर लो ये थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा कितना हो गया ट्वेंटी सेवन ये हो गया पांच तिया पंद्रह दुना तीस और ये कितना हो गया दो दुना चार तिया बारह और ये हो गया चार अब इसमें आपको बी और सी का अंतर बताना है तो बताओ बी और सी में कितना का अंतर है ये बी हो गया और ये डी हो गया बी और डी में अंतर बताना है तो ये अंतर पंद्रह का है ना पंद्रह का होगा ये पंद्रह कैसे आ गया पंद्रह नहीं आना था ना यहाँ पर पंद्रह कैसे आ गया अच्छा हाँ यहाँ पर गलत है ना यहाँ पर हमने तीन गलत लिख दिया पाँच के बगल में लिखना है ना तो वहाँ पर पाँच ही लिखना चाहिए फाइव के बगल में फाइव ही रहेगा देख रहे हो तीन के बगल में तीन और ये तो दो के बगल में नहीं है दो के इधर खाली था ना तो इधर दो सही लगाया है तो ये सत्ताईस नहीं आएगा इसका मतलब यहाँ पर ये मान हमने गलत ले लिया ठीक है यहां पर क्या आना चाहिए तीन पचे तो पैंतालीस और मल्टीपल होगा, होगा से से ग्यारह से भी कटेगा तीन से कौन कट रहा है पहले चेक करो तो चार चार आठ एक नौ ये तीन से कट रहा है लेकिन ग्यारह से नहीं कट रहा है ये देखो पांच चार नौ आठ एक नौ तीन से कट रहा है लेकिन ग्यारह से कटेगा ये चार और एक पांच और आठ पांच तेरह ये भी ग्यारह से नहीं कटा ये देखो पांच तीन आठ एक नौ तीन से तो कट ही रहा है लेकिन ग्यारह से कटेगा तो आप बोले कि ये हो गया तीन और एक चार ये भी नहीं कट रहा है ये आठ और एक नौ ये कट जा रहा है ये आंसर है है ठीक पूरा निकालने की जरूरत कतई नहीं है हमने यहीं से देख लिया कि तैतीस से आंसर कटेगा यानी कि तीन और एक ग्यारह से कटेगा तो केवल पहला ऑप्शन है जो एक ग्यारह से कट रहा है बाकी तीन से तो सारे ही कट गए थे अगला सवाल देखिए कह रहा है कि आठ अट्ठासी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी दो मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि उसी दिशा में यानी कि समान दिशा में चौतीस की स्पीड से चल रही है उसको एक सौ मीटर लंबी दूसरी तीस पता नहीं क्या पढ़ दिया कोई बात नहीं मैं वापस पढ़ देता हूं एक बार फ्लो फ्लो में कुछ और ही पढ़ दिया चलो कोई बात नहीं अट्ठासी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली दो सौ अड़तालीस मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है वो समान दिशा में चौंतीस की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई एक्स मीटर लंबी है जिसकी लंबाई एक मीटर दे रखी है दूसरी रेलगाड़ी को तीस सेकंड में पार कर जाती है तो का मान क्या सीधे सीधे हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस बोले तो दूरी दूरी आपको पता है कि दूरी दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर आने वाली है ठीक है तो पहली ट्रेन की लंबाई हमें पता है कि दो है और प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है एक्स और दूरी कैसे निकालते हैं चाल गुना समय तो चाल क्या होगा दिशा समान है तो हम घटा लेंगे अठासी में से इसको घटा लो चौंतीस को तो कितना बचेगा ये चौवन बच जाएगा और चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें पांच बटा अठारह से भी गुना करना होगा तो ये चाल हो गया और गुना समय समय तीस सेकंड लगा था अब ये अठारह चौवन कट गया और बाकी जो कट रहा है उसको भी काट लो बाकी काटना ही नहीं है अब ये दो प्लस का एक्स और ये आ गया कितना पाँचियाँ पंद्रह तिया पैंतालीस यानी कि साढ़े चार सौ तो एक्स का मान कितना हो गया साढ़े चार सौ और माइनस का दो सौ अड़तालीस तो ये दस में से आठ जाएगा तो दो बनेगा और यहाँ बचेगा चार में से चार जाएगा तो जीरो और दो दो सौ दो बन जाएगा यानी कि ये आंसर सही है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्स वाई से साठ अधिक कुशल है और अकेले वाई किसी काम को अस्सी दिन में कर सकता है सात काम करते हुए एक्स और वाई उस काम के बावन परसेंट हिस्से को कितने दिन में करेंगे देखो सबसे पहले हम ये कह लेते हैं कि एक्स और वाई में क्या है दोस्तों यहाँ पर तो हम दिन लिखते हैं यहाँ एफिशियंसी लिखते हैं तो एक्स वाई से साठ परसेंट अधिक कुशल है यानी कि वाई अगर सौ है तो एक्स कितना होगा एक सौ साठ अगर काट लें चार चार से तो ये पच्चीस चौ का सौ कट जाएगा और चार से चालीस चौ के एक सौ सोलह अब ये आठ पच्चीस चालीस और ये पाँच पच्चीस पच्चीस यानी कि एक्स और वाई में एफिसियंसी का रेशियो आठ और पाँच का है ठीक है वाई अकेले उसको अस्सी दिन में कर सकता था वाई करता तो अस्सी दिन में कर देता तो अस्सी पचे टोटल काम कितना हो गया तो आप बोलेंगे कि टोटल काम हो गया अस्सी गुणा में पांच यानी कि चार सौ लेकिन ये कह रहा है कि इसका बावन परसेंट हिस्सा एक सौ वाई कितने दिन में करेंगे तो हम लिख देते हैं कि एक्स वाई यदि करेंगे तो चार सौ का बावन परसेंट हिस्सा कितना हो जाएगा बावन बटा सौ और किससे कराना है एक्स वाई दोनों से तो आठ और पाँच दोनों जोड़ लो एक और वाई की एफिसियंसी तेरह बन रहा है ना तेरह से भाग कर दो तो ये तेरह चौ के बावन और ये दो जीरो से दो जीरो तो चार के सोलह दिन सोलह दिन का मतलब चौथा वाला सही उत्तर है अब ये देखिए आखिरी सवाल आज की वीडियो का है इसमें ये कह रहा है कि दो सौ सत्तर का एक्स प्लस पच्चीस प्रतिशत दो सौ चालीस के एक्स प्रतिशत से बीस प्रतिशत अधिक है तो ये वैल्यू बतानी है ये देखने में थोड़ा लेंदी लगेगा आपको लेकिन लेंदी उतना है नहीं बस परसेंटेज कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए मैं लिख देता हूँ देखो दो सौ सत्तर का एक्स प्लस पच्चीस प्रतिशत तो बटा सौ हो गया इसका क्या रोल है 240 के एक्स प्रतिशत से यानी कि एक्स बटा सौ से 20 परसेंट ज्यादा है 20 परसेंट ज्यादा को हम कैसे लिखते हैं वन ट्वेंटी लिखेंगे यहां से एक्स का मान निकालो तो आप बोले कि इस सौ से इस सौ को काट दो और इस दो जीरो से इस दो जीरो को काट दो अब देखो इसको मैं काट रहा हूं आठतियां चौबीस और ये चारतियां बारह इधर दो बार तीन कट गया ना यानी कि नौ कट गया तो इसको नौ से काट दो नौतियाँ सत्ताईस तीस हो गया तीस से गुना कर लो तो ये कितना बनेगा तीस एक्स और प्लस पच्चीस थी पिछहत्तर यानी कि साढ़े सात सौ और इधर आ गया बत्तीस एक्स तो यहाँ से आप कह सकते हो दोस्तों कि दो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े सात सौ तो एक्स का मान कितना आ जाएगा तीन गुना छः सौ पिछहत्तर आ जाएगा तीन सौ पिछहत्तर सॉरी तीन सौ पिछहत्तर ठीक है अब एक्स का मान यदि थ्री सेवेंटी फाइव आ गया तो यहां पर यदि मैं एक्स का मान रखूँ तो ये कितना बनेगा दोस्तों तीन सौ पिछहत्तर में जोड़ोगे तो ये तीन एक चार एक पाँच सौ बन जाएगा पांच सौ का बारह परसेंट ये कह रहा है कि पांच सौ का बारह परसेंट पांच सौ का बारह परसेंट कितना बनेगा साठ क्योंकि पांच सौ का एक परसेंट पांच है तो बारह परसेंट साठ और एक्स का दस परसेंट एक्स कितना है यहां पर तीन सौ इसका दस परसेंट कितना होगा थ्री सेवन पॉइंट फाइव ये होगा तो ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है साठ इससे कितना परसेंट ज्यादा है बताओ कितना ज्यादा है ऐसे पॉइंट टू फाइव जोड़ दे तो चालीस बन जाएगा यानी कि बीस और तो बीस और दो बाईस दशमलव पांच ज्यादा है ठीक है ना तो कितना परसेंट अधिक है, 22 अधिक है किस से सैतीस दशमलव पांच से और गुणा का सौ इस पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं और पच्चीस से दोनों कट जाएगा ये 25 से कटेगा नौ बार में और ये पच्चीस से कटेगा एक बार में काटे और फिर पांच बार में और ये तीन तिया नौ और ये पांच तिया पंद्रह और ये पांच से बीस पच्चीस सौ तो बीस तिया ये साठ परसेंट आ गया तो साठ परसेंट यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक और कमेंट कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो